देखिए, तो हमने देखा हमारा बच्चों ने वो काम करके बड़े क्या है घर में भूत मचाना, वो घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाने का चित्र हमने देखा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो क्या है, वो बाई से वो बफलो से पानी दोहने का वो काम, राइट। वो काम करने के लिए बच्चे वो इकट्ठे हो गए, वो इकट्ठे हो गए, देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, देन व्हाट हैपेंड, बफलो ने क्या किया या बाइस क्या किया, वो बाल्टी को लात मारकर दूर जा घड़ी हुई। सो बच्चों ने क्या किया, वो पानी दुहने के लिए सॉरी आया वो दूध दुहने के लिए क्या किया, वेयर चाचा जी के वो चारपाई में, चारपाई में इट्स नॉट बेड इट्स कोट, सीओटी कोट ना, लाइक लास्ट क्लास में प्रार्थना ने बताया ना वो सेम थिंग। अब वो हमारा एरिया में नॉर्थ इंडिया एरिया में पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई में पाई से बांध अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश की, तो वो क्या है वो चौकनी हो गई छूटकर भागी, तो पहले चाचा जी समझे शायद सपना देख रहे हैं, यह हमने देखा था। देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, फिर चारपाई पानी के ड्रम में टकराई, वो चारपाई पानी के ड्रम में टकराई गई, तो वो अंडरस्टूड क्या है, चलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे है, साथ में भूचाल ही आया हुआ है। टिल हियर वी डिस्कस, भूचाल माने क्या है, फिर जल्दी ही उन्हें असली बर्थ का पता चला चल गया। नाउ ओनली ही अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड हमारा चाचा जी, और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े, वो बेड बेड वो क्या है वो पलंग के पलंग माने दैट बेड दैट कोट, उसके दोनों पट्टियां पकड़े, मीन्स उसका वो चित्र में देखी उन्होंने क्या क्या कर रहा है, देखिए वो टू साइड्स उन्होंने पकड़े, बच्चों को चोट देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे, मीन्स क्या है जिसने बच्चों से कहा वो काम करने के लिए, जिसने बच्चों से काम करने के लिए कहा उन लोगों को उन्होंने बहुत सारे भला बुला, मीन्स कुछ क्या है बैड वर्ड्स कहता है, नॉट बैड वर्ड्स क्या है स्कॉल्ड देन। नेक्स्ट पेज हाँ Which page? Now, last page. Almost over. Last page, first two lines, please underline. Very important, hai. Last page, first two lines. यहाँ बड़ा मजा आ रहा था, बाईस बाघ ही यहाँ बड़ा मजा आ रहा था, बाईस बागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। जस्ट इमेजिन, सबसे बड़ा मजा बात है मजा आ रहा था, बाईस बागी सबसे पहले वो बफलो बागी क्या है, इसके पीछे पीछे क्या है चारपाई है, चारपाई माने दैट कोट, चारपाई है उस पर कौन है चारपाई में कौन बैठे हैं, चाचा जी तो इट्स अ कॉमेडी सीन, ओके। ओहो एक भूल ही हो गई दी गई, यानी बछड़ा तो गोला ही नहीं, बछड़ा माने हमारा बफलो का स्मॉल वन, बछड़ा CAL का बछड़ा तो गोला ही नहीं, गोला माने
लीव या ओपन, ओपन हम हमारा सेंटेंस का मीनिंग लीव। तो यानी बछड़ा तो गोला ही नहीं, तो अभी भी बछड़ा वहां है, इसलिए तत्काल, तत्काल प्लीज अंडरलाइन बछड़े, यहाँ तत्काल का मीनिंग टोटली डिफरेंट है, उसी समय, दैट टाइम, उसी समय हिंदी में लिखी, तत्काल माने उसी समय, इसलिए तत्काल या उसी समय बछड़ा भी गोल दिया गया, तो उसी समय बछड़ा को भी उन्होंने लीव दिया या ओपन कर दिया। तो वो उन्होंने मन में सोचते, ओ हो भूल ही गई, भूलना माने फॉरगेट, भूल ही गई होगी, यानी बछड़ा तो गोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी गोल दिया गया, तो बछड़ा को भी क्या है फ्री या उन्होंने ले किया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भाईस ने अपने गुरुओं को ब्रेक लगा दिए। तीर निशाने, तीर निशाने माने एरो शॉट है एक्चुअली, तीर निशाना, तीर नि, तीर माने एरो एंड निशाने माने शॉट, लेकिन यहाँ एक इनर मीनिंग है, क्या है वो इधर उधर क्या है वो दौड़ते समय, वो है तीर निशान, इधर उधर दौड़ते समय बैठा और बछड़े की ममता, ममता प्लीज अंडरलाइन द वर्ड ममता, लव ऑफ ए मदर, ममता, ममता माने लव ऑफ ए मदर, अम्मा का प्यार, व्याकुल होकर, व्याकुल माने बेचैन, टेंस, बेचैन हिंदी में बेचैन, व्याकुल टेंस होकर भाईस ने अपने गुरुओं को ब्रेक लगा दिए। देखिए बच्चों, अपने बच्चे के बारे में सोचकर भाईस ने या बफलो ने अपने गुरुओं को ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाना मीन स्टॉप, रुकना, क्या है गुरुओं, यस निशा, टेंस, नो टेंस, गुरुओं, नॉट व्हीकल, एक्चुअली इट्स अ मूवमेंट, गुरु माने उन्होंने इधर उधर वो दौड़ते है ना हमारा वो बफलो, तो उन्होंने वो मूवमेंट या उनका वो दौड़ने को वो प्रक्रिया को उन्होंने ब्रेक लगा दी ओनली, ओके, ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, जुट गया माने टुगेदर, गो टुगेदर। दुहने वाले ग्लास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो चपाक से गोबर, चपाक माने स्प्लैश, समथिंग लाइक दैट, लपकना माने कैच, एक और बात देखिए, तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर बाईस ने अपने गुरुओं को ब्रेक कर दिया। और एक और मीनिंग है वो हूज का मीनिंग भी आल्सो वी कैन टेल, ओके, एच ओ ओ वी ई एस, दैट मीनिंग यू राइट, ब्रेक लगा दिया ना, मूवमेंट नो नीड राइट, हूव्स यू राइट, एच ओ ओ बी ई एस, तत्काल बछड़ा तत्काल झुक गया, दुहने वाले ग्लास कटोरे लेकर लपके, लपकना माने टू कैच, क्योंकि बाल्टी तो चपाक से, चपाक माने स्प्लैश, गोबर क्या है, गोबर, 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 फ्लोर, नॉट फ्लोर डियर, इट्स काउडंग, काउडंग, सी ओ डब्ल्यू काउ डी यू एन जी डंग, काउडंग, बाल्टी तो चपाक से गोबर में जा गिरी, बछड़ा फिर बागी हो गया। तो क्या है यहाँ कुछ इंसिडेंट है, क्या है वो हमारा वो बफलो वो
वो बच्चे को देखकर उन्होंने अपना क्या वो मूवमेंट वो दौड़ने को ब्रेक कर दिया. सो आफ्टर दैट दे केम टुगेदर. देन दुहने वाले ग्लास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो चपा, वो बाल्टी है ना, वो क्या है, वो बाल्टी माने दैट बकेट, मिल्क कंटेनर, दैट बकेट वो कहां जा गिरी? गोबर में या काउडंग में जा गिरी. बछड़ा फिर बागी हो गए. तो कुछ क्या है, कुछ इंसिडेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट सिंपली रिट. कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा. ओके देखिए, तो वो बाल्टी वो हमारा काउडंग में गिरा, कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा. कुछ दूध या कुछ मिल्क कहाँ गिरा? कुछ मिल्क जमीन पर या लांज में, प्लस देन कपड़ों या ड्रेस में भी कुछ दूध गिरा. दो चार धारे ग्लास कटोरों पर भी पड़ गई. ग्लास कटोरा माने दैट ग्लास, दैट बाउल, ग्लास एंड पर भी पड़ गई. बाकी बछड़ा पी गया. बाकी मिल्क क्या है, वो बछड़ा था काफ, वो पी गए. ये सब कुछ कुछ मिनट के 3:14 में हो गया. मींस ऑल दिस हैपन क्या है, सडनली, ऑल दिस हैपन सडनली मींस ये सब कुछ कुछ मिनट के 3:14 मींस 3:04 3:14 में जल्दी जल्दी, ऑल दिस हैपन जल्दी जल्दी. इस प्रकार घर में तूफान उड़ खड़ा हुआ. ऐसा लगता था जैसे सारे घर में, प्लीज अंडरलाइन क्वेश्चन, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ में कौन सा लेकर. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करना चाहिए. घर में तूफान उड़ खड़ा हुआ, प्लीज अंडरलाइन. घर में तूफान उड़ खड़ा हुआ माने क्या है, वो घर में एक स्टॉर्म या एक तूफान आ गया. क्यों क्यों हमारा ऑथर इस प्रकार कहता है, क्यों वो घर में एक तूफान आ गया? क्योंकि क्योंकि बच्चे काम करने करते वो समय हमारा घर के मुर्गियां, भैंस, भेड़े, दंडर क्या है, बाल्टियां, एवरीथिंग क्या है, वो बिगड़ी हुई है. बहुत सारे थिंग्स वो टूटे हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए, इसलिए घर में तूफान उड़ गड़ा हुआ. इस प्रकार हमारा ऑर्डर कहता, घर में एक तूफान या स्टॉर्म आ गए. ऐसा लगता था जैसे, अंडरलाइन, सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसल्ले, तसल्ले दैट वर्ड वी ऑलरेडी डिस्कस किया. क्या है तसल्ला? तसल्ले बच्चों ने दूध दुहने के लिए, तसल्ला प्लेट, राइट द मीनिंग, द प्लेट, प्लेट, PLATES, प्लेट, टूटे हुए तसल्ले मींस ब्रोकन प्लेट, बाल्टियां बकेट्स, लोटे कटोरे मींस स्मॉल स्मॉल वेसल्स, प्लेट समथिंग एवरीथिंग, लोटे कटोरे एंड और बच्चे थे. अब हमारा घर का कंडीशन है क्या है आज या अब, नाउ हमारा वो बच्चों ने किया द्वारा वो काम के कारण घर का वो कंडीशन इस प्रकार हो गया. क्या है, घर में तो तूफान उड़ गड़ा हुआ और सारे घर में क्या क्या है, मुर्गियां, भेड़े, मन में रखिए इंपॉर्टेंट है, सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसल्ले, बाल्टियां, लोटे कटोरे और बच्चे, मन में रखिए इंपॉर्टेंट. अब हमारा घर में क्या क्या है, एक और बार बताओ बच्चों, सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसल्ले, बाल्टियां, लोटे कटोरे और बच्चे. बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हांकाई गई, मींस क्या है, बच्चे दे बाहर चले गए और मुर्गियां बाग में, बाग माने गार्डन में वो इस प्रकार चलते हैं इधर उधर,
Then matamsa manati. Matamsa. Matam please understand. I think it's new word for you. Duk. Matam. Duk. Fat. Duk. Matam. Matamsa manati. Manati. Actually manati ka meaning to celebrate karna. Lekin yahan duk manana. Yahan duk manana. क्या है इट्स अ फीलिंग ऑफ सैडनेस सैडनेस सैड फीलिंग मादमसा मनाती तरकारी वाली ने क्या है तरकारी तरकारी तरकारियां यस निकला गवर्नमेंट तरकारी हियर कुछ मैम वेजिटेबल हां यस यस कृष्णा वेजिटेबल वेजिटेबल्स तो देखिए तरकारी वाली के आंसू पोछ गए तो हमारा वो वेजिटेबल वाली वो महिला शी इज क्राइंग व्हाई देखिए व्हाट हैपेंड मैंने देखा हमने डिस्कस किया था वो भेड़े ने क्या किया वो तरकारी वाले के सभी वेजिटेबल्स को उन्होंने क्या है फेक क्या है समथिंग हमारा वो भेड़े ने किया ना तरकारी वाली की टोकरी में पर टूट गई कुछ भेड़े ने हमने देखा था थर्ड पेज में हमने देखा था तो क्या है वो तरकारी वाले शी इज क्राइंग वही देखिए नेक्स्ट लाइन मातमसा मनाती दुख मनाती है वो तरकारी वाली के आंसू पोच गए शी इज क्राइंग आंसू आंसू आ रहे हैं और अम्मा आगरा जाने प्लीज अंडरलाइन क्वेश्चन ओनली इंपॉर्टेंट लाइन देखिए अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी अम्मा आगरा मीन्स आगरा ए जी आर आई आगरा प्लेस जाने के लिए सामान मीन्स उनका सामान उनका क्या है लगेज सामान बांधने लगी बांधना माने पैक करना तो सरकारी वाली वही चीज पर ही वो तरकारी वाली वो सारी हाँ वो बेड़ो ने वो बेड़े ने क्या किया उनके वो वेजिटेबल्स का वो टोकरी वो सब कुछ क्या है वो उस पर वो टोकरी पर टूट गई सब कुछ नष्ट हो गया इसलिए वो तरकारी वाली उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं देन व्हाई अम्मा इज डूइंग व्हाट अम्मा इज डूइंग अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने आई थिंक शी इज गोइंग समवेयर मींस आगरा शी इज गोइंग व्हाई नेक्स्ट टू लाइंस अंडरलाइन करना चाहिए बच्चों नेक्स्ट टू लाइंस प्लीज अंडरलाइन नेक्स्ट टू लाइंस मैम द डायलॉग द डायलॉग यस या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो नहीं तो मैं चली मायके अम्मा ने चुनौती दे नहीं तो मैं चली मायके प्लीज अंडरलाइन बच्चों मायके मिस मैटरनल होम अम्मा के होम अम्मा का वो होम अम्मा का ओन होम मैटरनल मैटरनल होम मायका अम्मा ने चुनौती दी दी चुनौती मीन्स एक्चुअली चुनौती का मीनिंग चैलेंज इट्स अ चैलेंज चुनौती तो अम्मा ने क्या किया अम्मा ने क्या बताया देखिए या तो बच्चा राज कायम कर ले तो यदि यह हम बच्चा काम कर रहा है तो मैं मेरा घर आगरा चली जाऊंगी किसने बताया अम्मा ने बताया अम्मा ने क्या कहा यदि बच्चा यदि वे बच्चे यदि हम अगेन दे आर डूइंग जॉब आई विल गो टू माय होम इस प्रकार बताया किसने बताया अम्मा ने बताया क्योंकि क्या है घर में एक तूफान आ जाती है तूफान आ गए इस प्रकार बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए तो अम्मा ने डिसाइड किया वो आगरा चले जाऊंगी यदि बच्चे यदि काम कर रहे हैं तो वो चले जाऊंगे इसलिए उन्होंने बैग एंड और पैक कर अंडरलाइन करना चाहिए बच्चों और अब्बा ने अब्बा मीन्स अप्पा द मेल पर्सन
अब्बा अम्मा, अब्बा मीन्स द मेल वन, और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके, क्या है कतार, कतार कतार लाइन, मीन हम असेंबली में हम लाइन में खड़े होते हैं ना, वो लाइन कतार लाइन नहीं लाइन। अब्बा ने सबको, सबको मीन सभी बच्चों को कतार में घड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल, क्या है बटालियन का कोर्ट मार्शल आपको पता है ना, इंग्लिश वर्ड ओनली, बटालियन का कोर्ट मार्शल, आंसर मी क्या है बटालियन का, सबको सभी बच्चों को, अगर किसी, प्लीज अंडरलाइन बच्चों, प्लीज अंडरलाइन अंडरलाइन, नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया, हाथ लगाया तो बस रात का गाना बंद हो जाएगा। अब्बा ने या अप्पा ने क्या कहा, अगर किसी भी बच्चे ने, एनीवन, ओके, वो हमारा घर की किसी एक चीज को हाथ लगाया, हाथ लगाया माने टच किया, तो उनको क्या शिक्षा मिलेगा, रात का खाना, रात का गाना बंद हो जाएगा, माने रात का गाना उनको नहीं मिलेगा। अगेन इफ दे आर डूइंग जॉब दे डिडंट गेट डिनर, रात का वो भोजन उनको नहीं मिलेगा। इस प्रकार किसने बताया, अब्बा ने बताया, अब्बा ने बताया, अंडरलाइन करना चाहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है। लास्ट टू लाइंस ये लीजिए, अंडरलाइन लास्ट टू लाइंस, लास्ट लाइन ओनली अंडरलाइन करना चाहिए, फर्स्ट लाइन ओनली, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन मीन्स सॉरी टू लाइंस का फर्स्ट लाइन राइट साइड, आई विल रीड इट, ये लीजिए इन्हें किसी करवट शांति नहीं, नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करो, हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया, अंडरलाइन सेकंड लास्ट लाइन राइट साइड, हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट, ये किसका कहना है, ये कौन बता, यस ईशा, बच्चे, हाँ बच्चे, बच्चे बच्चे दे आर टेलिंग, क्या है, हम लोगों ने निश्चय कर लिया, आदे वी डिसाइडेड, निश्चय कर लिया, क्या डिसाइडेड, अब चाहे कुछ भी हो जाए, व्हाट एवर इट इज हैपन, नो प्रॉब्लम, अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, हिलकर पानी पीना मेहनत करके या स्वयं पानी भी नहीं पिएंगे, इस प्रकार एक डिसीशन बच्चों ने ले लिया, एट लास्ट कहानी के अंत में बच्चों ने वो एक डिसाइड, वो डिसाइड बच्चे दे डिसाइडर क्या है, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, तो बच्चों ने क्या निर्णय ले लिया, कहानी के अंत में बच्चों ने क्या निर्णय ले लिया, वो हिलकर पानी, हिलकर पानी भी नहीं, नहीं पिएंगे, वो मेहनत हिलकर माने वो हिलकर, हिलकर माने एक्चुअली शेकिंग, हियर क्या है मेहनत करके कुछ काम कर, कुछ करके पानी भी नहीं पिएंगे, बिकॉज पानी पीना इज इजी काम, स्वयं पानी पीने के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं, बड़ा जोबान है, वी कैन डू इट, लेकिन पानी भी वी नहीं पिएंगे, इस प्रकार एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बच्चों ने ले लिया, तो इट्स चैप्टर इज वेरी lengthy one, क्या करना चाहिए, only important points आपके मन में रहें, all these क्या है incidents आपके मन में नहीं होना चाहिए, लेकिन the important things मन में होना चाहिए, okay, वो बच्चों ने क्या क्या काम करने के लिए जुट गए, means बच्चों ने क्या क्या काम करने के लिए try किया, सबसे पहले स्वयं पानी पीना, स्वयं पानी पीना, वो टेक्स्ट बुक में नोट करो बच्चों,
पेंसिल और पेन है तो वहां नोट करो. पॉइंट वाइज, बुलेट पॉइंट वाइज. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जो, स्वयं पानी पीना, स्वयं वाटर ड्रिंक करने के लिए उन्होंने ट्राई किया. देन सेकेंड वन, दरी, दरी की मैली. हाँ, दरी की मैली दूर करने के लिए, मीन्स दरी क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, दरी या कारपेट साफ करना. थर्ड वन क्या है? आंगन की कूड़ा. हाँ, कूड़ा कचरा इंडोर साफ करना, आंगन की कूड़ा साफ करना. आउट यार्ड में बहुत सारे कूड़ा या वेस्ट है, वो साफ करने के लिए बच्चों ने जुट गए, मीन्स आउट यार्ड क्लीन करना. देन पेड़ों को पानी देना. पेड़ों को पानी देने के लिए वो नल में जुट गए ना, तो पेड़ों को पानी देना. देन फोर्थ वन, पेड़ों को पानी देना. फोर्थ वन, देन मुर्गियों को डब्बे में बंद करना. नेक्स्ट वन, मुर्गियों हेन, हेन्स को वो केज में बंद करना. मुर्गियों को, मुर्गियों का देखभाल वी कैन राइट, और मुर्गियों को डब्बा, उनका डब्बा, डब्बे में बंद करना. फिफ्थ वन, मुर्गियों को डब्बे में बंद करने का वो काम. देन भेड़ों का देखभाल उन्होंने देखा. सो भेड़ को दाना खिलाना, भेड़ों को दाना. मैम भेड़ों को दाना, दाना, दाना या दाना खिलाने के लिए, खिलाना. भेड़, भेड़, भेड़ को दाना खिलाना. देन द लास्ट वन क्या है? भैंस से दूध लेने की कोशिश. भैंस या बफल्लो, बफल्लो से दूध या मिल्क लेने की कोशिश. भैंस से दूध लेने की कोशिश. एवरीथिंग कोशिश ओनली, ट्राई ओनली. बच्चे है ना, दे डोंट नो हाउ द वर्क इज डूइंग एंड ऑल, दे डोंट नो. तो भाई से दूध लेने की कोशिश. भाई से, भाई से दूध लेने की कोशिश. सब बताओ क्या क्या है वो काम? हम स्वयं पानी पीना, स्वयं पानी पीना. देन सेकंड वन, दरी की मैली दूर करना. हाँ, देरी से वो मैली दूर करना. थर्ड वन, आंगन से कूड़ा कचरा दूर करना. देन पेड़ों को पानी देना, पेड़ों को पानी देना. मुर्गियों को डब्बे में बंद करना. हाँ, मुर्गियों को डब्बे में बंद करना. पेड़, पेड़ों को दाना खिलाना. द लास्ट वन, काम करना. वो बच्चों में काम करने की हैबिट क्या है, बनना चाहिए, राइट? बच्चों को एक्चुअली व्हाट हैपन हियर, दे डोंट नो, राइट? एक काम करने की एक रीति है, वो बच्चों को पता नहीं. तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक कैसे करना चाहिए, इस प्रकार एक आदत, एक हैबिट, एवरीडे इस प्रकार करने की, कुछ स्मॉल स्मॉल जो करने की आदत बच्चों में डालनी चाहिए. तो एक बार करना चाहिए बच्चों, लास्ट पेज में वो स्पेस है ना, लास्ट पेज में वहां लिखिए संदेश.
कहानी का संदेश, लिखिए कहानी का संदेश। नोट्स में आई विल गिव एंड सिंपली टेक्स्ट बुक में लिखिए। बच्चों में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नो प्रॉब्लम, आई विल गिव इट। छोटे मोटे कार्यों को छोटे मोटे कार्यों को करने की आदत आ दया का दा देन फर्स्ट था आदत माने हैबिट डालनी चाहिए। तो बच्चों को वो क्या है, वो उनमें वो हैबिट बनना चाहिए। सबसे पहले एक ऐसे काम करना चाहिए, अदरवाइज वो काम चोर चार्टर में व्हाट हैपन इस प्रकार घर में एक क्या है तूफान आ जाओ। ओके, तो नेक्स्ट क्लास को एक बात करना चाहिए बच्चों, हमारा ये क्या है पॉइंट्स, बच्चों ने क्या क्या काम करने के लिए वो कोशिश की, वो पॉइंट्स कितना पॉइंट्स है टोटल, 6 or 7 राइट, 7 पॉइंट्स राइट, यस मैम 7 पॉइंट्स आपके मन में रहेंगे प्लस कहानी का संदेश। ओके ओके मैम, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द क्या है क्वेश्चन आंसर, देन जहां पर हियर चैप्टर का 2 मोर क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट ओनली आफ्टर दैट आई विल सेंड द नोट्स जहां पर हियर एडिटिंग से बिकॉज़ मीनिंग्स एंड सम मोर क्वेश्चन आंसर वी पेंडिंग। ओके, तो ये जहां पर हियर डिस्कस करना चाहिए, इसके बाद ये काम चोर भी डिस्कस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू ऑल, बाय, थैंक यू, बाय, थैंक यू ऑल, बाय, थैंक यू।